चैनल आमदार पास भी गए, आमदार साहब ने भी आश्वासन दिया, लेकिन कुछ काम होने के लिए तैयार नहीं किए। कौन से हिसाब से काम करेंगे? बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बोलते महामारी है, महामारी है, साफ सफाई रखो। ये कौन सी साफ सफाई हो रही? अब तुम बताओ, आयोग तो भी ऐसे ही है, जरा भी ध्यान नहीं, ना एक भी नगर सेवक ध्यान देने के लिए तैयार है। मुख्तार बिल्डर है, उसकी तरफ भी गए, कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सब्वाल के आदमी को फोन लगाए, वो भी नहीं आया। उमर सिर्फ बस देख लेते और बोलते हम क्या कर सकते, तो तुम उसको उन लोग को लाएगा एक वास्ते। हम आप ये जो नाली का गंदा पानी सड़क पर जमा देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 13 म्युनिसिपल कॉलोनी का है। यहाँ की आवाम का कहना है कि हम तकरीबन 6 से 7 सालों से परेशान हैं। हर एक या दो दिन के बाद यहाँ इसी तरह का पानी भर जाता है। इससे पहले भी हमारे चैनल पर यहाँ की गंदगी की न्यूज़ लग चुकी है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम बार बार महानगर पालिका में तकरार करते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती और ना ही सफाई इंस्पेक्टर हमारे यहाँ गटरे साफ कराता है। जबकि हर साल महानगर पालिका में हम टैक्स भरते हैं और हमारे मोहल्ले के सभी लोगों की केर पट्टी नील है, मगर फिर भी हमें महानगर पालिका से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हम ऐसे ही परेशान हैं। गंदे पानी की वजह से डास मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और गंदा पानी जमा होने की वजह से नमाज पढ़ने जाने के लिए बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए धुलिया महानगर पालिका से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी समस्याओं पर ध्यान दे और हमारी समस्या को तुरंत हल करे, ऐसी मांग वहां के नागरिकों ने की है। मेरा नाम हिलाल अहमद मोहम्मद सिद्दीक, म्युनिसिपल कॉलोनी वार्ड। ये जो है, ये जब से रोड वनीला है, जब से ये ऐसा ही है और हमेशा की तकलीफ है। यहाँ पर जो है ना मुकादम आता ना ध्यान देता, कुछ रोज की ही तकलीफ है। कहीं से रास्ता नहीं है दूसरा जाने आने, नमाज पढ़ने आने जाने को आज तक कौन से हिसाब से जाएंगे? अब घर वाला ये कहाँ से जाएंगे? हाँ, अब यही बताओ। और केरपट्टी जो है सब नील है, कहीं से रोड नहीं है, रोड जो है सब ब्लॉक कर दिए। अतिक्रमण भी नहीं साफ सफाई वाले आते। एक बार भी अभी तक के नाली को साफ करने वाला आया नहीं। ये रोज का पानी है, सिर्फ वो देख लेता मुकादम भी और चले जाता, लेकिन आता नहीं। मुकादम साइन आते, सिर्फ वो देख लेता और एक बार भी नहीं आता। पीछे भी जो है एक साल हो गया अभी तक नाली साफ नहीं हुए। ये रिक्शा देखो और ये देखो कितनी डूब रही और कितने बच्चे इसके अंदर जो है डूब चुके हैं। आमदार पास भी गए, आमदार साहब ने भी आश्वासन दिया, लेकिन कुछ काम होने के लिए तैयार नहीं किए। कौन से हिसाब से काम करेंगे? बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। बोलते महामारी है, महामारी है, साफ सफाई रखो। ये कौन सी साफ सफाई हो रही? अब तुम बताओ, आयोग तो भी ऐसे ही है, जरा भी ध्यान नहीं, ना एक भी नगर सेवक ध्यान देने के लिए तैयार है। मुख्तार बिल्डर है, उसकी तरफ भी गए, कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सब्वाल के आदमी को फोन लगाए, वो भी नहीं आया। उमर सिर्फ बस देख लेते और बोलते हम क्या कर सकते, तो तुम उसको उन लोग को लाएगा एक वास्ते। हम